आज मैं आपको बेडमी पूड़ी की रेसिपी बनाना बताऊंगी। इसके लिए हमने जो सामग्री ली वो हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 कप उड़द की दाल ली थी जो बिना छिलके की थी, और उसे अच्छी तरह से धोकर भिगोकर रख दिया था 2-3 घंटे के लिए। हमारी दाल अच्छी तरीके से फूल गई है, हमने इसे सोख करके रख दिया था 2-3 घंटे के लिए। अब मैंने अपनी सोख की हुई दाल को अच्छी तरीके से धुलकर इसका पानी निकाल दिया था और एक मिक्सी जार के अंदर डाल दिया है। मैंने इसमें 2-3 हरी मिर्च डाल दी है, थोड़ा कम या ज़्यादा अपने आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। इसके अंदर 1 इंची अदरक का टुकड़ा डाल दूंगी, जिसको मैंने अच्छी तरीके से धोकर और उसका छिलका उतार दिया था। मैं 1/2 टेबल स्पून सौंफ डाल देती हूँ, इससे इसका स्वाद और अच्छा आएगा। हम आटा गूंथ कर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए तो सबसे पहले हम 1 कटोरी मैदा ले लिया है हमने यहाँ पे। मैं इसमें 2 कटोरी गेहूँ का आटा डाल दूंगी। सभी सामग्रियों को मिक्सी जार के अंदर पीस कर इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। हम इसको पीसने में पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप चाहें तो सिर्फ इसमें मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन गेहूं के आटे से ये थोड़ा हेल्दी भी हो जाएगा। मैंने इसको ड्राई पीस के तैयार किया था, ये देखिए मैंने इसका पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। मैंने जो मैदा और गेहूं का आटा डाला था, अब हम इसके अंदर 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दूंगी। इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, 2 चम्मच नमक डाल दिया है। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। इसमें 1 पिंच हींग डाल दूंगी। अब मैं इसमें अपना पीसा हुआ जो हमने आकर तैयार किया था वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। थोड़े थोड़े पानी का इस्तेमाल करते हुए इसका थोड़ा सख्त इसका आटा जो है पूरी की कंसिस्टेंसी का रहेगा। हम इसे थोड़ा सख्त ही आटा गूंथ कर तैयार करेंगे। अच्छी तरीके से सारी सामग्रियों को मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमने मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और नमक भी डाला था इसके अंदर। देखिए इस तरह से हम मसल कर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें 1/2 टेबल स्पून क्रश किया हुआ जीरा डाल दिया था, अब इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और एक तक डो गूंथ कर तैयार कर लेते हैं। इस तरह से टाइट डो गूंथ कर तैयार कर लिया है। अब हम इसे 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपनी पूड़ी बनाना शुरू करते हैं। अब मैं अपने डो को इस तरीके से पेड़े के शेप का बना लूंगी। अब मैं अपनी पूड़ी बनाना स्टार्ट करूंगी। इस तरीके से हम अपने पेड़ों को बेल लेंगे। मैंने अपनी पूरी को इस तरीके से बेल करके तैयार कर लिया। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया था, हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब अपनी पूड़ियों को फ्राई कर लेंगे। इसमें हमारा तेल गर्म हो चुका है, हम अपनी पूड़ी को इसमें डाल देंगे। आप देख सकते हैं हमारी पूड़ी किस तरीके से फूलने लगी है। आप इस तरीके से पूड़ी बनाएंगे तो आपकी बेडमी पूड़ी खूब फूली फूली और सुंदर बनेगी। मेरी पूरी फ्राई हो गई है, अब हम इसे तेल में से बाहर निकालेंगे। अब मैं इसी तरीके से अपनी सभी पूरियों को फ्राई करके तैयार कर लूँगी। मेरी बेडमी पूरी बनके तैयार हो गई है। मैंने इसे आलू की सब्ज़ी के साथ सर्व कर लिया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें।